पान लगे डहल बिकल हेले न गाँ लोके प्रकल्प अच्छे हेले पान नहीं आउछे दस बचर हेला पान टांकी सुखा पड़ीछे पंप हाउस ने ताला झुलुछे आज तक पान बुंदे पाने परी गाँ लोके इन्हें प्रश्न उठुछे केन काम के सरकार कर वसुधा योजना बोधुन देखमाई रिपोर्ट प्रकल्प अच्छे हेले पान नाइ न दस बचर हेला सुखा पड़ीछे टांकी पान लगे डहल बिकल गाँ लोक केभे काम के आयबा जल प्रकल्प दस बचर हेला वसुधा योजना ने पानीय जल प्रकल्प निर्माण हेइछे हेले प्रकल्प बना हेला दिनु ही पानर नागन नाइन आज तक पान बुंदेक नाइ पाई परी गाँ लोके बहु सहर नु मात्र तीन किलोमीटर जगन्नाथ सड़क रास्ता कड़े अच्छे थरभंगा ब्लकर बड़ बंकापड़ा गाँ महानदी कूले थाई बिल भल पान बुंदे नाइ मिलुछे बड़ बंका पड़ा संगे तीन टा वार्डर 1000 परिवार पान पाइबे बोली आस करी थिले हले यहाँ दे इटा सपना पाल्टी छे लुके बाधे किना मैला पान के व्यवहार करुछन लाख लाख टंका ती निर्माण हितिबा वसुधा योजना केन काम के बोली प्रश्न उठी छे दस वर्ष बारह वर्ष हलानी पानी टांकी तैयार हो जे 6000 लोक असुविधा रे पड़ुछन आ पानी पाउ नै नुआ नदी भी सुखा हो जाइए लक्षाधिक टंका एबे खत खाउजी एते जुरा खर्च करजो वसुधा जरे कि सा कार्यक्रम न आबा खाली चुचार गुर का बेकार जे काम ही नहीं आगे असुधा तो बहुत समीकरण होउजे सेतबे सरकार उचित पदक्षेप नबा जरूरी छ सरकार का माल दरिया में डाल लेखे ठिकादार निर्माण करी माले माल हे उतिबार बेल के जिला प्रशासन और आयक नाई पड़ुछे निम्न मानर काम लागी रे आज तो गुटे दिन भी पाइन टिके पाइनी पारी लाख लाख टंकार जंत्रपाती खत खाउतिबार बेल के पंप हाउस ने ताला झुलुछे लोक मान को शुद्ध पानी जल जुगे देवार संगे इतार उपरे तदन दाबी करिछन गां लोक सियाड़ा इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम अछे आयबार हप्ता ने चालू होबा बोली कहिछन जिला जल आर परिमल विभाग और कनिष्ठ जंत्री पानी पाई पारु नै 10-12 वर्ष हला न मशीन बंद हाई की रही छे नदी रे पानी जाउ नै खरा दिन हला न पानी लागि बहुत आमे असुविधा पाउ छु वर्तमान खरा दिन आसला न ମାନେ ପାଣି ଲାଗି ବହୁତ ଡଗ ଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀ ଖଣ୍ଡିରେ ଆମର 2-3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପାଣି ଅଟୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ 2-3 ଖଣ୍ଡ ଡଗ ବିକଳ ମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ଆମ ଗାଁ ମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ମଇଳା ପାଣିକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବସୁଧା ଯୋଜନା ଇହାଦେ କେନ୍ କାମ କେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛେ ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍